नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। हेलो गाइस, सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम लोग 10 जनवरी 2018 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड जीके फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं टास्क ऑफ द डे के डिस्कशन से। आज ये सेशन आपको काफी लेट मिल रहा होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा सबसे पहले सभी से। शुरुआत कर लेते हैं टास्क ऑफ द डे के क्वेश्चंस के डिस्कशन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोणार्क मंदिर जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है वो किसने बनवाया था, किस शासक ने? इसका आंसर सभी ने करेक्ट दिया, नरसिंह देव प्रथम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हु रोट द बुक नेम्ड हिंद स्वराज? हिंद स्वराज नाम की पुस्तक के लेखक हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है और पूछी भी जाती है SSC एग्जाम्स में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ करके है किताब। मैं अपने बुक्स एंड ऑथर के वीडियो में भी बता चुका हूं उसके बारे में, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर इन नेपच्यून? नेपच्यून में कितने सैटेलाइट होते हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 14। जुपिटर में सबसे ज्यादा होते हैं 67, फिर होते हैं सैटर्न में 62, उसके बाद होते हैं नेपच्यून में 14, और यूरेनस में भी मैं बता चुका हूँ यूरेनस में होते हैं फ्रेंड्स 27 सैटेलाइट। सैटेलाइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, सो आप लोग ये तैयार रखें कम से कम। विच डे ऑफ द ईयर इज द शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फेयर? इसका आंसर भी सब लोगों ने करेक्ट दिया, इसका आंसर होगा 21 जून। हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अकबर। मुगल वंश के शासक अकबर ने मनसबदारी सिस्टम चलाया था। विच फिल्म वन द अवार्ड ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म इन नेशनल फिल्म अवार्ड 2017 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में? कासव जो कि एक मराठी फिल्म थी उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वीडियो में, इसकी एडिशनल बातें भी बता चुका हूँ। और फायर फ्लाइज इन द एबिस को मिला था बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड, ये भी बता चुका हूँ। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, ये सब आपको पता होने चाहिए। जब तक नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 के दे नहीं दिए जाते तब तक आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए। अब बिना देर किए बात कर लेते हैं आज के सेशन की। राष्ट्रीय खबरों से शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 9 जनवरी 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र में प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया, और इसका मुख्य उद्देश्य है उन लोगों से कनेक्ट होना, भारतीय मूल के वो लोग जो कि विदेशों में काम कर रहे हैं यानी कि NRIs से कनेक्ट होने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 9 जनवरी 2018 को हम लोग फ्रेंड्स एक स्पेशल डे मनाते हैं जिसको कहते हैं NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट आ जाते हैं, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे में भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है प्रत्यूष, इसे देश को समर्पित कर दिया है। और फ्लॉप्स का यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड होगा फ्लॉप्स का फुल फॉर्म, और इसकी एक बड़ी यूनिट है, बहुत ही बड़ी, मल्टी पेटाफ्लॉप्स। और पेटाफ्लॉप्स के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं वो जानकारी शेयर कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने का एक तरह से यूनिट कह सकते हैं इसको, और इसके बारे में जो भी लोग डिटेल जानते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो सके। बल्कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है नहीं कि पेटाफ्लॉप्स क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्यूष नाम है उस कंप्यूटर का जो कि सुपर कंप्यूटर है, मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर, पहला भारत का। नेक्स्ट आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, यानी कि ऑफिशियल एम्बलम को दिखाया गया इनके द्वारा, और एक लोगो टाइप का एम्बलम होगा जिसमें शुरू में अशोक स्तंभ बना होगा और सेंटर में विश्व बांग्ला की थीम लिखी होगी इस एम्बलम में, आप लोग नेट पर सर्च करके देख सकते हैं इसको। और विश्व बांग्ला एक इनिशिएटिव है पश्चिम बंगाल सरकार का वहाँ की क्षेत्रीय आर्ट और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। सो इस न्यूज़ में खाली आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि एक नया एम्बलम लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा और उसमें विश्व बांग्ला की थीम लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आ जाएंगे तो भारत ने सऊदी अरब के साथ हज 2018 के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब के स्टैटिक फैक्ट्स में पहले ही बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। अब आप लोग मुझे लिख करके बताइए कमेंट्स में कि इसकी राजधानी क्या है और इसकी करेंसी क्या है। अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवा के कारण बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई है। तो इस तरह के जो अजीब नाम होते हैं साइक्लोन्स के वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो मदागास्कर में इस समय तूफान आ रहा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसका नाम होगा एवा। अब स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए मदागास्कर के, इसकी कैपिटल लिखी हुई है और इसकी करेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। व्यक्ति विशेष पर आ जाएंगे,
हु किल्ड गांधी पुस्तक लिखी गई थी लॉरेंस डी सेडवेंडर के द्वारा, और आखिर क्यों इस पुस्तक का नाम ले रहा हूं मैं, या फिर क्यों ये किताब चर्चा में आई है? यहाँ पर पूरी कहानी लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पर इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरी कहानी नहीं, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए इस प्रकरण में पूरे में कि हु किल्ड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे लॉरेंस डी सेडवेंडर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सिक्किम का ए आर रहमान को, और मुख्यमंत्री ने बनाया सिक्किम के, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप लोग लिख करके बता सकते हो कमेंट्स में, मैं एक दो बारी अपने सेशन में पहले भी बता चुका हूँ। अब एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था एसएससी सीजीएल में कि बर्थ नेम क्या था ए आर रहमान का। मुझे पता नहीं किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया और इसकी क्या आवश्यकता थी, बट ये पूछा गया था, और इसका आंसर होगा दिलीप शेखर। आप लोग इसको आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं, ये एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 2017 के एग्जाम में पूछ लिया गया था। आ जाएंगे खेल की खबरों पर। तो स्विट्जरलैंड ने हॉफमैन कप टूर्नामेंट का 30वां संस्करण जीत लिया है। स्विट्जरलैंड की यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट लिखी हुई है, फ्रैंक होगी इसकी करेंसी और कैपिटल होगी बर्न। दक्षिण अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट में भारत को 72 रनों से हरा दिया है। सामान्य ज्ञान पर आ जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या फिर कह सकते हैं एनआरआई डे मनाया जाता है। मैं बता चुका हूँ किस लिए हम लोग मनाते हैं, महात्मा गांधी आए थे लौट के 9 जनवरी को विदेश से, सॉरी साउथ अफ्रीका देश से लौट कर आए थे, इस वजह से हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, और महात्मा गांधी को सबसे बड़ा एनआरआई कहा जाता है भारत का। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वैश्विक लिंग समानता सूचकांक के मामले में, जेंडर इक्विटी इंडेक्स के मामले में आइसलैंड पहले स्थान पर आता है, और पिछले 9 वर्षों से लगातार आइसलैंड इसमें बना हुआ है, और ये सूचकांक जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड स्विट्जरलैंड में। जो भी एडिशनल फैक्ट्स हम लोग बोलते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेकार जाते हैं या फिर आपको ऐसे अनसुना कर देना चाहिए, बार बार वो स्टैटिक फैक्ट्स आएंगे और आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर टास्क ऑफ द डे पर बात कर लेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आखिर लोकसभा सीट्स कितनी है आज की डेट तक, आप लोगों को लिख करके बताना है कमेंट्स में। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है भारत में, आप लोगों को लिख करके बताना है कमेंट्स में। आज के टास्क ऑफ द डे का लास्ट क्वेश्चन है विद विच रूलर डिड शेर शाह फॉट बैटल ऑफ कन्नौज, शेर शाह सूरी ने कन्नौज का युद्ध किस शासक के साथ लड़ा था, आप लोगों को लिख करके बताना है कमेंट्स में। हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है, रिवाइज करते रहिए स्टैटिक फैक्ट्स को, जीके फैक्ट्स को। मेरे सेशन को अगर आप इंजॉय करते हैं तो यहाँ पर हरा बटन बन के आ रहा होगा बीच में कहीं, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग अपडेट्स पाएं और हमारे किसी भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करें। जिन लोगों ने कल का सेशन मिस कर दिया है किसी कारण से, वो यहाँ पर दाईं तरफ आपको उसका लिंक भी मिल चुका होगा। बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर एग्जाम्स को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।